गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास टेंथ। क्लास टेंथ में आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है स्त्री में यौवनारंभ तथा मासिक आर्तव चक्र। देखिए, इसको हम मासिक आर्तव चक्र भी कह सकते हैं या इसको हम रजोधर्म चक्र भी कह सकते हैं, ठीक, या इसको मासिक धर्म चक्र या रजोधर्म चक्र या आर्तव चक्र, ठीक, इसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है और ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक। तो सीधा सीधा हम इंग्लिश में याद रखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसे इंग्लिश में क्या याद रखेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। इंग्लिश में तो इसके कई नाम हो सकते, हिंदी में तो इसके कई नाम हो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में केवल एक ही नाम रहेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो सीधा सीधा हम मेंस्ट्रुअल साइकिल याद रखेंगे। तीनों नाम याद करने बजाय हम केवल एक नाम याद रखें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। तो इंग्लिश में से क्या कहेंगे? प्योरिटी इन वुमेन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, स्त्री में यौनारंभ तथा मासिक आर्तव चक्र, ठीक। तो आज हम जानेंगे कि ये क्या होता है, क्यों आवश्यक है ये, ठीक, और ये पेपर में आपके एक दो नंबर में पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, और आप वीडियो को आप लाइक करें और शेयर जरूर करें, ठीक। चलिए शुरू करते हैं मासिक धर्म चक्र। देखते हैं स्त्रियों में यौनारंभ 11 से 14 वर्ष की आयु में होता है, मतलब जो स्त्रियां होती हैं उनमें जो यौनारंभ अर्थात जो उनमें मैच्योरेशन होता है, जो मैच्योर होती हैं वो, तो उनका समय कब होता है? तो 11 से 14 वर्ष की आयु में वो मैच्योर हो जाती हैं। आगे, इस समय स्त्रियों में जनन अंगों की संरचना व कार्यों में वो अनेक परिवर्तन होते हैं, मतलब इस 11 से 14 वर्ष की आयु में क्या क्या होता है? तो इस 11 से 14 वर्ष की आयु में जो जनन अंग हैं, सेक्सुअल ऑर्गन हैं, उनकी संरचना, उनकी स्ट्रक्चर और जो उनके कार्य हैं, कार्यों में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे जो यूटेरस होता है अर्थात जो गर्भाशय होता है, तो वो गर्भाशय मैच्योर होने लगता है, उसमें एंडोमेट्रियम वगैरह जो होती है वो मैच्योर होने लगती है, ठीक। और जो अंडाशय है, अंडाशय में ग्रेफियन पुटिकाओं का जो है परिपक्व होना शुरू हो जाता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल होती हैं वो परिपक्व होना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार से जो जनन अंग है, होते हैं, उनकी संरचना व कार्यों में अनेक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं यौनारंभ के बाद, यौनारंभ के बाद स्त्रियों में मादा जनन चक्र शुरू होता है, मतलब जो स्त्रियां होती हैं अर्थात 11 से 14 वर्ष की आयु में, आयु के बाद जब यौनारंभ शुरू हो जाता है उनका, तो उसमें क्या होता है कि जो मादा जनन चक्र है वो शुरू हो जाता है। मादा जनन चक्र मतलब क्या होता है? चाहे हम मादा जनन चक्र कहें या कहें आर्तव चक्र, ठीक, या कहें मासिक धर्म चक्र या कहें रजोधर्म चक्र, तो वो शुरू हो जाता है, ठीक। क्या हो जाता है? यौनारंभ के बाद स्त्रियों में मादा जनन चक्र शुरू हो जाता है। इसमें होता क्या है ये भी बता दें आपको, इसमें होता क्या है कि जो अंडाशय होता है, अंडाशय में ग्रेफियन पुटिकाओं का परिपक्व अर्थात मैच्योरेशन शुरू हो जाता है और एग का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक। एग का जो एग होता है, अंडा होता है, उसका फॉर्मेशन हो जाता है। काहे के लिए होता है? ताकि जो स्पर्म आए और स्पर्म उसको फर्टिलाइज कर दे, अर्थात वहां पर निषेचन की क्रिया संपन्न हो जाए, ठीक। तो इसीलिए मादा जनन चक्र शुरू होता है। आगे देते हैं, इसकी अवधि लगभग 28 दिन होती है, मतलब आपसे यह क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है बहुविकल्पी में कि आर्तव चक्र या मासिक रजोधर्म चक्र, ठीक, या मासिक चक्र, तो इस प्रकार से ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसका टाइम कितना होता है? 28 दिन होता है। कितना होता है? 28 दिन। और कितना होता है? औसतन होता है 28 दिन, मतलब जो सब जब सभी दशाएं सामान्य रहेंगी, जब सभी दशाएं सामान्य रहेंगी तब 28वें दिन रजोधर्म चक्र या आर्तव चक्र संपन्न होता है।
अगर कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो ये पहले या बाद में भी हो सकता है। आगे देखते हैं, इन 28 दिनों के बीच में, इन 28 दिनों के बीच अंडाशय व गर्भाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। देखिए, जब 28 दिन, 28वें दिन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी, तो उससे पहले, उस 28 दिन से पहले क्या होगा भाई, 28वें दिन ये प्रोसेस चलेगी, लेकिन उससे पहले, 28वें दिन से पहले कौन कौन से प्रोसेस होंगी, तो उसमें क्या होगा, अंडाशय व गर्भाशय में अनेक परिवर्तन होते हैं। क्या परिवर्तन होते हैं, देखिए, जो अंडाशय होता है, अंडाशय से क्या होता है, आपका एग बाहर निकल आता है, ठीक, अंडाशय से एग बाहर निकल आता है, और इसको बोलते हैं ओविलेशन। क्या बोलते हैं, ओविलेशन बोलते हैं, अर्थात हिंदी में कहें तो अंडोत्सर्ग होता है, मतलब एग जो है, एग अंडाशय से बाहर निकल आया और कहाँ आ गया, गर्भाशय की फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। कहाँ जाता है, गर्भाशय की, यूटेरस की फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, ठीक। तो इससे गर्भाशय, और गर्भाशय में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम ब्लड के साथ बाहर निकल गई थी, वो फिर से एक नई एंडोमेट्रियम बन जाती है, जो 2800 दिन पहले निकल चुकी है वो एंडोमेट्रियम बिल्कुल फिर से नई बन जाएगी, ठीक। तो ये सारे परिवर्तन कब होते हैं, 28वें दिन से पहले होते हैं। अब आगे देखते हैं, इसे आर्तव चक्र या मासिक धर्म कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आर्तव चक्र या मासिक धर्म चक्र, अर्थात मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है कि एग आया कहाँ, अंडाशय से, ओवरी से एग बाहर निकल आया, निकलने के बाद क्या था, वो कहाँ चला गया, गर्भाशय की फैलोपियन ट्यूब में चला गया। गर्भाशय की फैलोपियन ट्यूब में जाने के बाद क्या होता है कि वहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होना चाहिए, अर्थात निषेचन की क्रिया होना चाहिए, लेकिन निषेचन की क्रिया वहाँ पर नहीं हो पाती है। तो अब क्या होता है कि जो आपकी ग्रेफियन पुटिका थी, मतलब जो एग था, वो एग बेकार हो जाता है, और जो अंडाशय होता है, अंडाशय में जो ग्रेफियन पुटिका होती है वो भी नष्ट होकर कार्पस ल्यूटियम और कार्पस एल्बिकेंस में बदल जाती है, ठीक। तो इस प्रकार से जो, जब एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, तब होता क्या है कि जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है, अर्थात गर्भाशय की जो दीवार होती है, उसका नाम होता है एंडोमेट्रियम, वो एंडोमेट्रियम रक्त के साथ सूख जाती है और रक्त के साथ शरीर से बाहर निकल जाती है। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, मासिक चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो उससे पहले क्या होते हैं, बहुत से गर्भाशय व अंडाशय में परिवर्तन हो जाते हैं। अगर ये परिवर्तन या अंडाशय का निषेचन नहीं हो पाता है, वो जो अंडाणु है उसका निषेचन नहीं हो पाता है, तब मासिक धर्म चक्र शुरू हो जाता है अगले, ताकि जो गर्भाशय है उसकी दीवार को पुनः बनाया जा सके और वहाँ पर निषेचन की क्रिया होने के बाद जो भ्रूण है उसका गर्भाशय की दीवार से अच्छे तरीके से रोपण हो सके। तो ये सारे परिवर्तन होने के लिए गर्भाशय व अंडाशय में परिवर्तन हो जाते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो फिर मासिक धर्म के द्वारा जो होता है गर्भाशय एंडोमेट्रियम, वो शरीर से बाहर निकल जाती है। अब आगे देखते हैं, आर्तव चक्र व रजोधर्म चक्र का नियमन पीयूष ग्रंथ, अर्थात पिट्यूटरी ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ को और क्या कहते हैं, पीयूष ग्रंथ को पिट्यूटरी ग्रंथ या मास्टर ग्रंथ कहते हैं। तो आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो नियमन, अर्थात जो रेगुलेशन होना है, वो कौन कराएगा, पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन कराएंगे। कौन, पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होने वाले हार्मोन कराएंगे। पिट्यूटरी ग्रंथ से कई हार्मोन स्रावित होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कई हार्मोन भाग लेते हैं। जब आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आपको ये सभी हार्मोन पढ़ाए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर केवल इतना जान लेते हैं कि पिट्यूटरी ग्रंथ से हार्मोन स्रावित होते हैं, जो इस मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलेशन करते हैं, अर्थात नियमन करते हैं। आगे देखते हैं, गर्भ धारण करने के बाद, देखिए ये प्रोसेस हो कब रही थी, जब एग का फर्टिलाइजेशन, अर्थात जो एग है वो स्पर्म के साथ जो है कॉन्जुगेट, अर्थात जुड़ नहीं पा रहा था, अर्थात फर्टिलाइजेशन क्रिया नहीं हो पा रही थी,
तब ये मासिक धर्म चक्र चल रहा था। अगर हो जाए फर्टिलाइजेशन हो जाए तो क्या होगा? ठीक, तो गर्भ धारण करने के बाद, मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, गर्भ धारण करने के बाद रजो धर्म चक्र या अंडोत्सर्ग बंद हो जाते हैं, मतलब अंडाशय से जो अंडोत्सर्ग हो, वो अंडाशय से जो अंडोत्सर्ग हो रहा था वो भी बंद हो जाएगा, और जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही थी ये भी बंद हो जाएगी। कब बंद हो जाएगी? जब गर्भ धारण कर लेगा। जब गर्भ धारण हो जाएगा तो ये आपके दोनों जो प्रोसेस थी वो दोनों बंद हो जाएंगे। आगे क्या होता है? शिशु जन्म के होने के बाद, जब शिशु का जन्म हो जाएगा उसके बाद पुनः ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, अर्थात कौन सी? अंडोत्सर्ग व रजोधर्म चक्र जो है पुनः क्या हो जाएगा? शुरू हो जाएगा। कब शुरू हो जाएगा? जब शिशु का जन्म हो जाएगा उसके बाद शुरू हो जाएगा। और ये प्रोसेस बंद कब हो जाएगी? जब गर्भ धारण कर लिया जाएगा तो उसके बाद ये प्रोसेस बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।